श्री बांके बिहारी लाल का 516वां प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया, जिसमें झांकियों का भी आयोजन हुआ। ब्रजनगरी श्रीधाम वृंदावन में ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का 515वां प्राकट्य उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें श्री हरिदास जी निधिवन मंदिर से बधाई लेते हुए ठाकुर श्री बांके बिहारी अपने आराध्य को प्राकट्य उत्सव की बधाई देने पहुंचे। वहीं नगर के प्रमुख मार्गों से सवारी निकाली गई, जिसमें तरह तरह के हिंडोले और झांकियां देखने को मिली। वहीं भक्तों द्वारा बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव पर बधाई गायन और नृत्य किया गया। भक्त गाने पर दूर दूर से आए श्रद्धालु नृत्य करते हुए सरोवर नजर आए। वहीं धर्मनगरी वृंदावन और बाहर से आए हुए श्रद्धालु स्वामी श्री हरुदास जी के हिंडोले से आगे झाड़ू लगाते हुए नजर आए। इस मौके पर वृंदावन कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार भारी पुलिस बल के साथ सवारी के साथ चलते हुए नजर आए। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सवारी को नगर में भ्रमण कराया गया, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन द्वारा बखूबी निभाई गई। वहीं सवारी में चल रहे भक्तजन और सेवायत मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर रखते हुए सवारी में आनंद लेते हुए नजर आए। मंदिर सेवायत ने बताया कि बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव के दिन सुबह निधिवन मंदिर में हरिदास जी की समाधि स्थल के समक्ष बिहारी जी के प्राकट्य स्थल को दूध दही व पंचामृत से स्नान कराया जाता है, और इसके बाद स्वामी श्री हरिदास जी नगर में भ्रमण करते हुए ठाकुर बांके बिहारी मंदिर बधाई लेकर पहुंचते हैं, जिसके बाद मंदिर में वहीं पर भोग लगता है और सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। वहीं सेवायत ने कहा, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सवारी को सूक्ष्म रूप देकर नगर में निकाला गया। ऋतिक अग्रवाल, वृंदावन समाचार 24। सेवायत, आइए जानते हैं इनसे ये बिहार पंचमी का क्या महत्व है। महाराज जी, आज जो सवारी निकाली जा रही है, किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? आज बांके बिहारी जी का प्रकट उत्सव है। आज के दिन ही स्वामी हरदास जी ने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। आज जैसे बिहार पंचमी है, तो यहाँ पे शोभा यात्रा जा रही है बांके बिहारी मंदिर, उधर बधाई देंगे स्वामी हरदास जी बांके बिहारी जी को, उधर के बाद में ही उधर भोग आएगा, फिर आरती होगी। सुबह के समय पे यहाँ पे प्रकट स्थल ही है निधवन राज में, यहाँ प्रकट स्थल ही बनी हुई है। यहाँ पे बांके बिहारी जी को प्रकट किया था स्वामी हरदास जी ने, वहाँ का अभिषेक हुआ था, उसके बाद आरती हुई थी, बधाई गायन चल रहा था, उसके बाद में यहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई है। महाराज जी, कोरोना काल को लेकर के जिस तरीके से आज बिहारी जी महाराज रोड पे आए हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, इस बार क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, जो कोरोना, वैसे तो हमारे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, 10 झांकियां होती हैं, 10 बैंड होते हैं, अब हमने बस सीमित करी हैं। जो जो जैसे स्वामी हरदास जी का रथ है, उसके बाद में जगन्नाथ जी और विट्ठल विनायक जी, और कोई रथ हमने नहीं रखा है सवारी में। महाराज जी, इस बार बिहार पंचमी में क्या विशेष रहा है? विशेष तो आप देख रहे हैं, जैसे रंगोली वाले दूर दूर से आए हुए हैं, उसके बाद में जो सोनी सेवा कर रहे हैं, सोनी मतलब झाड़ू लगा रहे हैं, जो रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद में वो लगा रहे हैं, और जो ढोल आया हुआ है वो बहुत दूर से उड़ीसा से आया हुआ है। ये महाराज जी बिहारी जी का कौन सा प्रकट उत्सव मनाया गया? ये 515वां। दिल्ली के यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार 24वें दिन भी जारी रहा, जिसको लेकर किसान संगठनों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और सरकार को चेतावनी दी। और जो आगे का प्रोग्राम है अगले दिन का, वो हम